अस्सलाम वालेकुम पार्क व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझा। मैं पार्क व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ हाशिर मौजूद हैं। आपने हाशिर को देखा होगा, हाशिर ब्लॉग्स के नाम से हाशिर का चैनल है, जहाँ पे ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं और बड़े अच्छा कॉन्टेंट बनाते रहते हैं और अपने बारे में बताते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आज उनको ज़बरदस्ती पकड़ा है, तो हाशिर साहब ने नई गाड़ी ली। हाशिर साहब, सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। ये है C200, मर्सिडीज, और क्या नाम है, मुझे ऐसा इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, 2007 मॉडल है, 13 इम्पोर्ट है, और ये जिस तरह की हालत में आपने देखी है, फुल किटेड वगैरह, ये मैं भी देख रहा हूँ, इसमें काफी जो है पिंडी बॉयज वाली चीज लगाई है, बाकी में पीछे पिंडी बॉय लगा हुआ, मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे परसों रात तक तस्वीर आई, मैंने कहा यार ये ब्लू रंग के एग्जॉस्ट टेप जो है ये कहाँ से आए हैं। अच्छा, मजे की चीज है, मैं समझा इसके बाकी में चार एग्जॉस्ट आते हैं, मैंने पीछे देखा लोहा लगा है, इसके अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता था। सिंगल, तो ये 2008 की C200 है और 2013 में इम्पोर्ट हुई थी, और मैंने आपको अपने तजर्बे से बताया, ये जापान इम्पोर्ट है, जो कि मुझे इसके टीवी से पता लग गया। अच्छा, मैं जैसे बैठे हैं कहते जापान इम्पोर्ट है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, इन्होंने कहा चलो एक सेकंड, वो बॉय ने देखा, कहते हैं जापान इम्पोर्ट है। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले हम हमेशा अपने यूजर से पूछ रहे होते हैं कि जब भी आपने गाड़ी ली है, कितना अर्सा हो गया आपको ली? मुझे 2 months। और किस प्राइस बजट में मिली आपको ये 45 तक की मिली है, लेकिन लग लुक के 50 तक पड़ गया। ठीक है, 5 million में आपकी गाड़ी कॉस्ट की। अब आपका हम परचेज डिसीजन समझना चाह रहे हैं, जब आप एज अ कस्टमर मार्केट में थे, आपके जेन में एक बजट था, आपने कहा कि नहीं यार ये मैंने ख्वाबों में गाड़ी देखी थी और मैं इसको हासिल करना चाहता था, क्या थॉट प्रोसेस क्या था कि इसी गाड़ी को लेके चले थे कि एक बजट को लेके चले थे, और कोई चीज़ कंसिडर की थी? ऑनेस्ट बताऊँ मैं, मुझे ना इससे पहले मेरे पास रीबॉर्न थी, मैंने वो ली थी और वो मेरी पहली गाड़ी थी। ठीक है, रीबॉर्न मैंने ली, वो 6 months पहले ली, इससे लेने से ब्लैक विद ब्लैक रिम, ब्लैक रिम, और वो गाड़ी ने मेरा इतना खर्चा कराया सुनील भाई, मैंने ली वो 15 lakh की, ऊपर 8 lakh लगाया, लिटरली मुझे लोगों ने लूटा, मुझे पता ही नहीं था मैकेनिक्स का इतना। मैं गाड़ी ले जाता था, मैकेनिक आके घर दे जाता, गया था ठीक हो गया, वो अगले दिन फिर वही एक उसका स्टेयरिंग का मसला निकला था, ठीक है वही, तो वो उस पर बहुत पैसे लगे मेरे। खैर, उसके बाद सीन ये हुआ कि ये गाड़ी मैं रेंडमली ना आपका पार्क व्हील देख रहा था, तो देखते देखते ना मैं, मेरा कोई मूड नहीं था मर्सिडीज वगैरह का, मैंने वैसे ही देखना शुरू किया, मुझे मर्सिडीज, मैंने कहा यार लेता हूँ, मेरा लाइक है ड्रीम है कि मैंने मर्सिडीज लेनी है। 2 months पहले की बात है इससे, मैंने देखने लग गया, स्क्रॉल करने लग गया, एक दिन मैंने कहा यार हाशिर चल ढूंढते हैं, मैंने देखी वहाँ पे ऐड लगा हुआ इसका, और मैंने पहला ही ऐड देखा ये, और मैंने बिराम भाई से पूछा, बिराम भाई को कहा मैंने कि आप अगर देख लें, उन्होंने कहा ठीक है इंस्पेक्शन करा लो वहाँ से जाके, मैंने गाड़ी वाले बॉय को बुलाया, लेके गया और वहाँ पे देखते साथ इंस्पेक्शन कराई आपने? मैंने चलाई भी नहीं पता, मैंने देखते साथ ही मैंने कहा डन है, 1 lakh rupees ट्रांसफर कर दिया मैंने। पहले तजर्बे के बाद भी आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया कि आपने पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी थी? नहीं, वो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं देखी, उसकी रिपोर्ट्स देखी उसने मुझे 4 months पहले की भेजी, ठीक है रिपोर्ट्स, ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं उसी टाइम कर दी, मैं बिराम भाई को बोला कि इंस्पेक्शन करानी, क्योंकि शावी भाई ने पिछली दफा बोला था कि गाड़ी खराब ली है तुमने ये वो, तो मैंने कहा खैर है ये भी खराब हुई तो ठीक है, मुझे प्यारी बहुत लग गई है, मैंने लेनी है, मैं खर्चा कर लूंगा ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत फिट थी, लाइक कोई खर्चा कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद लाइक छोटे मोटे कामों पे लगा लूँ कि इसके टायर चेंज कराए, सारा कुछ कर कुर के लगाया ऊपर पैसे जो लगे। ठीक है, अच्छा, और अभी आप तकरीबन चला रहे हैं 3-4 महीने हो गए? दो तीन महीने हो गए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का एक कंसिडरेशन होती है, क्योंकि पहली जर्मन गाड़ी ले रहे हैं, एक तो ये आपका जो पहला तजर्बा था, उसके बाद आपने फिर बड़ा गटसी को शो किया कि जब आपने कहा कि पुरानी गाड़ी लेनी है, क्योंकि ये भी अभी तकरीबन 13 में इम्पोर्ट हुई, 10 और 5 15 साल पुरानी है, और इंसान को होता है यार ये मर्सिडीज है इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ये कुछ दिल में, यार मुझे पता ही नहीं है गाड़ियों का, लिटरली लाइक मुझे मर्सिडीज का पता तो है, लग पता ना जाए मैंने देखा ना, मैंने कहा बस ले लेता हूँ मर्सिडीज, देखी जाएगी, मेरा ये है कि मैं फॉरेन डिसीजन लेता हूँ, मतलब मैं यार मेरी भी गाड़ियों के ऐड लगे मैं पास में, तो उसके ऊपर भी फॉरेन डिसीजन को ले ले, मैं अभी भेजूं ये गारंटी देता हूँ फारी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या सोचा, अभी मैं शाबी को आती कह रहा हूँ शाबी पीछे डाला होना चाहिए, शाबी कहते मर्सिडीज से महंगा डाला होगा, हां उससे महंगा होगा पीछे। अच्छा, तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या आ रही है आपको? यार मुझे तो ये रुके सिंस स्टार्ट 8.9 अच्छी दे रही है, क्योंकि शाबी ने चलाई है, मैं जब चलाता हूँ 6.7 6.6। नहीं नहीं यार, ये आप लोग किधर चलाते हैं? मैं बहुत, ये गाड़ी तो फ्यूल इकोनॉमी में कमाल गाड़ी है, ये आपको शहर के अंदर 10 से 11 हंस के देगी।
अच्छा मुझे ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मैंने पूछना भी था आपसे कि लाइक इसके शायद ट्यूनिंग वगैरह होने वाली है उसका। यार ये चली कितनी है टोटल? 160 चली है। हाँ तो इसको एक दफ़ा चेक करा लेते हैं कि इसके अंदर प्लग श्लग, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जो है ना समझते हैं कि प्लग जो है वो चेंज नहीं करने चाहिए, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे तो आज के ज़माने में तो फ्यूल इकोनॉमी इज द गेम। हाँ जैसे, और ये गाड़ी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग पे लेके गए? लॉन्ग पे इस्लामाबाद से कल ही आया हूँ। किस स्पीड पे आए हो? 120 पे। तो 120 पे ये गाड़ी ने 12+ की एवरेज दी होगी। हाँ 11 कम दे रही है, 12-13 की एवरेज देगी अगर आप क्रूज लगा के आएंगे ना इस पे, तो ये बड़ी अच्छी एवरेज देगी। अच्छा इस पे मुझे सबसे ज्यादा मजा जो है ना ऑनेस्ट बताऊं लेने के बाद ड्रिफ्टिंग का है यार। मैं इतना किया कि इसका ये खराब हो गया, मतलब ट्रैक्शन ऑफ करके ट्रैक्शन वाला बटन। सो फर्स्ट रियर व्हील कार यू ड्राइविंग राइट? हां जी। तो रियर व्हील का मजा ये है कि उसके अंदर जो है ना एक जो ड्राइव का मजा आता है, सीधी रोड पे भी जो जाती है ना ज्यादा ना लेके जाए क्योंकि इनके पार्ट्स बड़े महंगे हैं भाई, ये मिलने में अलग खुदा ना खास्ता लग जाए। तो अभी लगी है मेरी, मैं ली है जिस दिन हफ्ते बाद ही खड़ी गाड़ी पे 80 की स्पीड पे बाइक वाले ने मारा पिछले ये दोनों दरवाजे और ये साइड मिरर नहीं बंद होता मेरा, ये शीशे पे निशान भी देख रहे होंगे आप, ये आप बाइक वाला आके लगे वो शीशे पे। जब तुमने निशान का इशारा किया तो मैंने एक और चीज देखी है जो शायद तुमने देखी कि नहीं देखी, अमन गार्डन का, लेकिन वो भी खराब कर दिया उन्होंने मैकेनिक ने दरवाजा खोल के, मैंने वैसे ही रैंडम किसी को दे दी थी ठीक करवाने के लिए, मुझे पता नहीं था। ना दिया करें, रैंडम जगह बना दिया करें, मशवरा कर लिया करें। लेकिन ये आमन कार्टन का बजा तो कमाली बजता है इसका, और इसके जो जापान वाली गाड़ी में जितनी पता था कि इसका साइज भी बड़ा है, बिकॉज जो दूसरी वाली होती है अगर आप यूके वाली देखें वो अंदर उसकी छोटी सी स्क्रीन है। अच्छा जी, कलर भी व्हाइट बड़ा खूबसूरत है, और आपने इसकी छत खुद ब्लैक की? नहीं, पहले से ब्लैक सारा कुछ हो गया है, बॉय ने डिजाइनिंग पहले से की भी फुल डिजाइनिंग की, दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक है। बॉय की एज जो है ना वो थी कोई 40+, और उसके पास दो गाड़ियां थी, एक ये थी एक ब्लैक में थी। 40+ बॉय होता है बढ़िया। ये इसके ऊपर ये दो बटन क्या है भाई? ये अभी देख रहे हैं जब बाहर निकलेगी मर्सिडीज का लोगो जो आता है ना उसी के पैसे अभी आए। वाह ये आया, ये अभी आया, अभी ऑफ नहीं था ना, ऑफ तो फिर आएगा। अच्छा जी, और इसके अलावा यहाँ पे आपके फ्रंट लोडिंग 6 CD चेंजर आ गया, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, और ये वुडन जो है ये इसका मुझे मजे का लगा ये वुडन। अच्छा, और दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, ये भी ऑप्शन होती है कई लोगों में, हमारे दोस्तों के पास एक गाड़ी है जिसकी एक सीट इलेक्ट्रिक है। अच्छा मुझे नहीं पता ये मुझे, और इसका सबसे मजे का सीन है ये जो गोल्ड कलर का पता नहीं क्या पुंतड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर नीचे करके, टांगे सेट होती है। अच्छा ये जो है ये वाला? हाँ जी, ये इसके आपके जो है ना थाई के लिए सपोर्ट के लिए ऊपर आया था। अच्छा उस साइड पे लंबा स्पोर्ट है कि नहीं है पीछे से बटन हवा? अच्छा लंबा स्पोर्ट ये है इसके, देखा मैनुअल है ये, करीक करो। हाँ ये कमर में फील हो, ये गया पीछे, ये अभी लंबा स्पोर्ट आ गया, ये मैनुअल लंबा स्पोर्ट है, पहले मैं समझा ये पीछे होने की। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे आपके पास, अच्छा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह है? ब्लूटूथ नहीं है, मैंने वहां बीटी लगाया चाइनीज। हाँ जी वो डिवाइस लगाई। ओए होए होए, गेम यानी ऑन कर दिया लड़के ने। हाँ जी वो डिवाइस लगी हुई है। अच्छा जी, अच्छा इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है सी क्लास की, मैं जरा बड़ा नाकिद रहा हूँ एक जमाने में सी क्लास की छोटी होती है, तो पीछे दो शोज बैठते हैं तंग तो नहीं होता? यार मेरी फैमिली जब बैठती है ना बहुत बेइज्जती होती है मेरी, बाबा कहते हैं कि क्या लिया सुबह तरह से ले लेना पीछे जगह से, वैसे उनका माइंड ही यही है। मैं तो मेरे बाबा कहते हैं तूने मर्सिडीज क्यों ली है, तूने सिविक क्यों नहीं ली, इतने पैसों में वो मिल जाती है अच्छी मिल जाती है। लेकिन 50 लाख में सिविक कौन सी आने थी? सिविक 2018 मॉडल। हाँ जी 18-19 मॉडल, और वो मेरे बाबा हैं भी वो कंफर्ट जोन देखते हैं इसका, आगे बैठ के कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है, पीछे लेकिन जो है ना बहुत तंग होते हैं लोग बहुत ज्यादा, लाइक टांगे फंसती हैं। और वैसे माशाल्लाह हम हैं भी सारे लंबे भाई वगैरह मेरे, तो आप कह रहे हैं कि यस इसकी स्पेस जो मैं कह रहा था कंस्ट्रेंट है, स्पेस का बहुत मसला है। अच्छा आपने इसकी ऑयल सर्विस वगैरह अभी तक कराई? अभी एक दफा कराई है मुझे। कितना को महंगा पड़ा एज अपोज्ड टू अ नॉर्मल होंडा? सिविक का होता था 4,500 में आई गेस, और इसका हुआ है मेरा 11,000 का, बट वो 4,500 जो है हर 3,500 किलोमीटर ये 10,000 पे होगा, ये नहीं 5,000 में, 5,000 लिखा होता था, 5,000 लिखा था। अच्छा 4,500, 10,000, 5,000 रुपए 2 रुपए किलोमीटर, 2 रुपए, और वो तकरीबन 1.5, तो वो उस लिहाज से इतनी महंगी नहीं। मैथ आपका बहुत अच्छा है, मैं मैथ पे पूरे नंबर लेता था। अच्छा गुड बाय, तो अच्छा मैं सोच रहा हूँ अब ये मैंने रख लिया, अब मैं सोच रहा हूँ नई जो लेनी है वो मैंने ई क्लास 2014 मॉडल ठीक है, वो मैंने पूछना भी था कि मर्सिडीज के ऊपर इन्हें दिलाया पड़ा। हाँ मर्सिडीज के अलावा ही लेता है, बहुत कंफर्ट, लाइक मैं इसकी ड्राइव से बहुत, ड्राइव बड़ी अच्छी, बाहर का देखा कोई शोर नहीं आ रहा। हाँ जी शोर नहीं आता, सिविक करोला में पी पी टाटा सब आता है, बंदे का ना ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। हाँ सही बात है।
सही। अच्छा इसका एक और चीज़ जो अक्सर आती है पाकिस्तान में के अंदर जो मसला आता है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। स्पीड ब्रेकर्स ये मैंने बोलना था, ये लगती भी है नीचे से, मतलब जो थोड़ा सा ऊंचा होना इसकी किट भी लगी हुई है, वो किट लगती है आगे से, लगती है पीछे से अगर ज़्यादा लोग बैठे तो आपको थोड़ा टेढ़ा करके गुजारना पड़ता है, ये एक मसला है। और इसके टायर भी बहुत लगे हुए ना, लो प्रोफाइल लगे हुए, तो उसकी वजह से भी। अच्छा इसके अंदर से भी ना एक मुझे जंप पे ना एक आवाज़ साउंड आ रहा है हल्का सा डक डक का, मुझे लग रहा है शॉक्स का मसला है, वो भी मैं सेट करवाऊँगा। वो तो इसके आप अगर एक दफा इंस्पेक्शन पूरी करा लेना, तो मैंने आपको कहा था आपने करवाई नहीं लेते हुए कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन कॉल कर लें। iOS एंड्रॉइड पे हमारी ऐप है, किसी ने भी कॉल करना हो या फिर 04221943357 पे कॉल करके इंस्पेक्शन कॉल करते हैं, उसे होगा ये कि आपको जो है ना 200+ पॉइंट चेक मिल जाता है गाड़ी का, जरूरी नहीं बेचने के लिए, आपने काम भी कराना था आपको पता लग जाएगा यार मेरी गाड़ी में ये काम है। सो मैंने कोई भी गाड़ी लेनी होती मैं उससे पहले वो करा लेता हूँ चेक, फिर मुझे पता होता है यार ये नेगेटिव्स हैं इस गाड़ी के, मुझे इनको इम्प्रूव करना है और तो गाड़ी यस हो जाएगी। अभी वैसे मैं यही कराऊंगा, मैं देखूंगा कि इंस्पेक्शन करा के क्या क्या मसले हैं, इसके सस्पेंशन में क्या काम होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अच्छा मजे की बात ये कि इस गाड़ी के पार्ट जो है ना, जो स्पेसिफिकली 204 इसको बोलते हैं, बड़े सस्ते हैं। रीजन ये कि बहुत से लोगों ने कन्वर्ट किए हैं C63 में, तो जब C63 में कन्वर्ट होती है जो डोनर कार है उसका सारा सामान मिल रहा होता है, एंड यू आर लकी इन अ सेंस कि आपने जो पहली जर्मन गाड़ी ली है अगर आपने उसका सामान लेना होगा, बट यू हैव टू नो राइट पीपल, तो आपको बड़ा सस्ता मिल जाएगा। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि इसको कन्वर्ट भी कराने का तीन ऑप्शन है मेरे पास, या गाड़ी अपग्रेड करो या C63 या फिर एस क्लास। यार देखो दो तीन चीज़ें हैं, एक तो अगर आप इसको C63 कर लेंगे तो घर वालों ने अभी जितनी सुनाई है उसे डबल सुनाएंगे, आवाज़ बढ़ जाएगी, गाड़ी तेज़ हो जाएगी, लेकिन स्पेस उतनी कंस्ट्रेंट रहेगी और आपको तकरीबन फिर 60-70 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे। वैसे मेरी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में रहती है और ज़्यादा बैठती भी नहीं है, लाइक इस्लाम मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ लाहौर में, तो मैं यहीं पे होता हूँ, ये मेरे पास ही होती है, कभी कभार बेइज्जती सुन लूँ। तो मतलब आपने अभी इसको चेंज करने का प्लान कर रहे हैं कि इस गाड़ी के साथ ऐड करने का कह रहे हैं? चेंज शायद आई गेस लाइक ये देख के, या फिर मैं सोच रहा था 2014 सी क्लास ले लूँ C200E, या फिर लूँ मैं ई क्लास। सही 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 सही। आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या लो? यार मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर मैंने कोई भी गाड़ी लेनी हो उसी भी ईयर में लेनी हो तो मैं आई लाइक बिगर कार में सी ले लूँगा के बजाय ई ले लूँगा। अगर बजट नहीं कम है तो थोड़ा पुरानी बेशक एस ले लूंगा। अच्छा इसलिए मैंने सी क्लास नहीं रखी कोई भी अभी तक। अच्छा वैसे मेरा मूड 2007 एस क्लास का भी मैं वो भी सोच रहा था कि 2007 की एस क्लास आपके भाई ने आपको पता है ना दो बना के बेहतरीन चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन है ना वो, बहुत आला है वो, मतलब एस क्लास ऑब्वियसली इज टॉप इसके अंदर है, बट लोगों को होता है कि जरा पुरानी नहीं लेनी, ये वैसे 8 है तो वो 7 है, इतना फर्क भी नहीं है, बट ऑब्वियसली वो इट विल बी 3 times द प्राइस टैग आल्सो। ये है और ऊपर से मेंटेनेंस वगैरह भी ज्यादा महंगी है। मेंटेनेंस मेरा समहाउ आईडिया यही था, पहली बार अगर जर्मन गाड़ी लो तो आपको लग रहा होता है अगर आपने अंदाजा लगाया तो इतना फर्क नहीं है, तो इतना सी ई और एस में भी कोई मेंटेनेंस का इतना फर्क नहीं है, सिवाय उसकी जो अगर आप कहना अडेप्टिव जो है क्या उसको कहते हैं यार मेरे दबाव के हो गया एयरमेटिक सस्पेंशन की, अगर उसके शॉक्स वगैरह खराब हो जाए ना वो जरा महंगी आइटम है। कोई चीज़ जो मिस करते हो इंसान जब भी, मैं तो कोई भी गाड़ी लूँगा तो मुझे एंड पे मेरी जो अनलिमिटेड ख्वाहिशें वो खत्म नहीं हो रही होती। हाँ ये सेम मेरे साथ भी है यार, मैं भी कह रहा हूँ तो यार C63 ये होनी चाहिए थी, अब ये ले इससे पहले ये होता था रिबॉन में क्या मर्सिडीज होनी चाहिए, बंदे की ख्वाहिशात बढ़ती रही। तो चलो C63 तो अगले परफॉर्मेंस, इसके अंदर ऑप्शन वाइज कोई चीज़ तो नहीं मिस कर यार, सनरूफ सनरूफ के पैनोरामिक सनरूफ तो अब अगली जो चीज लेंगे उसमें सनरूफ उसमें सनरूफ नहीं, वैसे अगर आप इसको कन्वर्ट कराएंगे तो देयर इज एन ऑप्शन कि इसमें सनरूफ भी लग जाएगा, वो छत कटवा के लगेगा ना? नहीं इसमें वो स्पॉट वेल्डिंग होती है ऊपर से, वो कर अगर आपकी जो गाड़ी आप दूसरी ले रहे हैं हाँ जी उसकी अगर पैनोरामिक है तो पूरी पूरी आ जाएगी बगैर किसी इशू के, वो करवाऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में आपको वैसे इस पे भी थोड़ी वर्किंग करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट करें कि यार इसको कन्वर्ट। अच्छा मैंने एक चीज पूछनी थी, मैं सोच रहा था कि इसको नाटो ग्रे कराऊं कलर, क्या कहते हो? नाडो ग्रे भी ग्रुप में चल रहा है मुझे लगता है यार, वो बहुत नहीं कह रहा है ये ग्रुप में चल रहा है क्योंकि जहाँ से अभी नहीं बोला ना मैं नहीं बोला था, ये कह रहा है ये नाडो ग्रे ग्रुप में चल रहा है पूरा तो हाँ नहीं अच्छा लगता है ट्रेंड आया, लेकिन रैप अगर करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का करेंगे तो अच्छी लगेगी। हाँ जी वही रैप सोच रहा हूँ मैं फिलहाल, वही सही सही सही। अभी 9.2 भी आ गई है, वाह यार ये मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ रहेंगे तो अच्छी हो जाएगी और ऊपर होगी, ये शहर में डेस्ट ऊपर देनी चाहिए उसको। जब आप ड्रिफ्ट शिफ्ट करते होंगे तो आप पुश करते होंगे तो फिर एकदम ऑब्वियसली एवरेज खराब होती है, बट इफ यू वांट टू टेक गुड एवरेज देन यू कैन टेक आउट ऑफ दिस कार ये बहुत अच्छी एवरेज। अच्छा लो प्रोफाइल टायर्स का एक आखिरी सबसे सवाल आपके साथ, अभी तक ये भी जब से लिए लो प्रोफाइल टायर कोई पटा पुटा तो नहीं है? अभी तक आपने खड्डों में बड़ा ध्यान से चलानी है, बिकॉज खड्डों में अगर लग गया ना हाँ जी तो ये बड़ी जल्दी फट जाएगा। सबसे पहले मुझे ज्यादा जो मसला हुआ था ना इसका, ये इसका उल्टी साइड पे, उल्टी साइड है, सारी उल्टी साइड है,
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे बंदा। अच्छा फिर आदत, अब आदत पड़ गई, अब दूसरी गाड़ी चलाते हुए मैं भी यही करता हूँ, दूसरी गाड़ी का टक करके यूं कर देता हूं। सो व्यूअर ये था आज के रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यस, मैं उन लोगों में से जो बिलीव करता हूँ कि अगर यही बात है 5 मिलियन में अगर आपने लोकल गाड़ी लेनी है तो कौन सी आनी थी 5 मिलियन में? यार मैं यारिस, सिटी, स्विफ्ट, स्विफ्ट हाँ, स्विफ्ट 55 की है ना, ये पिकांटो, ये सारी इस प्राइस में आती, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से तो इट्स बेस्ट वैल्यू टू मनी, बहुत ज्यादा। और ऊपर से अगर अच्छी गाड़ी मिल जाए ना, मुझे अच्छी मिली है, मैं 2 मंथ्स में खाली ऑयल चेंज कराया है, और कोई मसला नहीं निकला। लाइक बाकी मैंने अपनी शौकी के लिए टायर चेंज वगैरह वो कराता रहूं तो उस पे पैसे लगे। हां वही मैं कह रहा, मुझे लगता है कि दे आर ट्रू वैल्यू टू मनी। तो यस, अगर आपने लेनी है तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर समबडी हु लव्स कार, और अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं तो एक दफा लेके उसको अपने स्पेक्स पे रिस्टोर कर लें तो वो गाड़ी बेहतरीन चलती है। ये थी आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे में ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।